नर्मदा नदी को लेकर मध्य प्रदेश की सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। नर्मदा में नहीं मिलने दी जाएगी गंदगी। सरकार का ये फैसला है, ऐलान है, ये कोशिश है। सदन में सरकार ने फैसला लिया, पूरी नर्मदा नदी में नहीं मिलने दी जाएगी गंदगी। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का बयान सामने आया है। इसको लेकर 2 साल की समय सीमा तय की गई है। नर्मदा जी के मार्ग पर जितने भी अर्बन बॉडी हैं उनके लिए कार्य योजना बनाई जाएगी। हमने निर्णय लिया है कि नर्मदा जी के पूरे मार्ग पर, नर्मदा जी मैया के नदी के पूरे मार्ग पर जितनी भी अर्बन बॉडीज हैं वहां से नर्मदा जी में गंदगी नहीं जाए, और इसके लिए हमें कार्य योजना बना रहे हैं। और आने वाले समय में लगभग 2 साल की हमने घोषणा की, पर उसके पहले करने की कोशिश करेंगे कि कोई भी अर्बन बॉडीज की गंदगी नर्मदा जी में नहीं जाए, नर्मदा जी की पवित्रता कायम रखें। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव को लेकर बड़ी खबर है। थोड़ी ही देर में उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है कांग्रेस पार्टी। मीनाक्षी नटराजन और कमलेश्वर पटेल के नाम पर भी चर्चा है। कुछ ही देर में औपचारिक ऐलान हो सकता है। मध्य प्रदेश में एक सीट पर कांग्रेस की जीत सुनिश्चित है। तो राज्यसभा चुनाव होने हैं, मध्य प्रदेश में उम्मीदवारों का ऐलान कांग्रेस पार्टी कर सकती है थोड़ी ही देर में। मीनाक्षी नटराजन और कमलेश्वर पटेल के नाम की चर्चा चल रही है कि ये दो नेता कांग्रेस की तरफ से राज्यसभा भेजे जा सकते हैं। कुछ ही देर में औपचारिक ऐलान हो सकता है। बीजेपी ने मध्य प्रदेश में घोषित किए हैं राज्यसभा उम्मीदवार। बीजेपी ने 4 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। डॉक्टर एल मुर्गन और उमेश नाथ महाराज प्रत्याशी होंगे। बंशीलाल गुर्जर और माया नारोलिया उम्मीदवार होंगे। बीजेपी की तरफ से 2 एससी वर्ग से और 2 ओबीसी वर्ग से उम्मीदवार बनाए गए हैं। बीजेपी की तरफ से राज्यसभा के लिए मालवा से 2 उम्मीदवार शामिल हैं इसमें। तो बीजेपी ने राज्यसभा के लिए अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। 4 उम्मीदवारों का ऐलान हुआ है। डॉक्टर एल मुर्गन, उमेश नाथ महाराज, बंशीलाल गुर्जर और माया नरोलिया 2 एससी वर्ग और 2 ओबीसी वर्ग से उम्मीदवार बनाए गए हैं बीजेपी की तरफ से राज्यसभा के लिए। हमारी प्राथमिकता यही होंगी कि हमारी सरकार, मध्य प्रदेश में भी हमारी सरकार है, केंद्र में भी हमारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार काम कर रही है। हम सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम भी करेंगे और हमारे क्षेत्र की जो भी समस्या होंगी उनको भी आगे लाकर काम करेंगे। और हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो इस समय काम कर रहा है देश के अंदर, अभूतपूर्व काम कर रहे हैं। अभी केवल भगवान महाकाल को प्रणाम करेंगे और जो भी वहां से, जो ये मेरे जीवन का पहला कदम रहेगा, तो बगैर समझे तो रणनीति किधर बनाएंगे, इसलिए पहले